हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक मिश्रा, आपका फिजिक्स टीचर, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इट्स फील्ड। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी, और यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो इक्वेटोरियल लाइन होती है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि इक्वेटोरियल लाइन होती क्या है। तो किसी भी डाइपोल के सेंटर के जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसे हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। जैसे सपोज दैट ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस रिस्पेक्टिवली माइनस क्यू और प्लस क्यू हैं, और ये दोनों चार्जेस यक्स और वाई पॉइंट पे हैं। तो ये एक डाइपोल हो गया। इनके बीच की जो शॉर्ट लेंथ है वो सपोज दैट कितनी होती है, 2L। ये मान लिया कि इस डाइपोल का सेंटर हो गया। तो सेंटर के जो परपेंडिकुलर लाइन जाती है, परपेंडिकुलर का मतलब जो 90 डिग्री पर लाइन जाती है, कहने का मतलब कुछ ये लाइन, इसे हम इक्वेटोरियल लाइन बोलेंगे। तो ये हमारी इक्वेटोरियल लाइन हो गई, और इस लाइन पे हमने कोई पॉइंट पी मान लिया, और इस सेंटर को, इस डायपोल के सेंटर को हमने नाम दे दिया ओ। तो सब हमने देखा कि ओ से जो पी तक की दूरी है वो कितनी है, स्मॉल आर। और इस पॉइंट पे हमने एक टेस्ट चार्ज रखा क्यू नॉट। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यक्स से ओ तक की दूरी, अगर ये पूरी यक्स से वाई तक की दूरी 2L है और ओ इस डाइपोल लेंथ का सेंटर है, तो यक्स से ओ तक की डिस्टेंस हो जाएगी L, और इस ओ से वाई तक की भी डिस्टेंस हो जाएगी L। अब यहाँ से हम देखेंगे ये प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है। तो ये माइनस चार्ज इस प्लस चार्ज पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, और ये माइनस है इसलिए इस पे, और ये प्लस माइनस है इसलिए माइनस वाला प्लस वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इसके फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन यही होगी। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी E1। और ये वाला हम देख रहे हैं कि प्लस चार्ज है, तो ये भी प्लस चार्ज है, प्लस टेस्ट चार्ज है। तो इस चार्ज के द्वारा, इस चार्ज पे एक रिपल्सन फोर्स लगेगा जो कि कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा। ये हमारा हो जाएगा E2। दोस्तों, यहाँ से अगर हम E1 और E2 निकालना चाहें तो हमको ये दोनों लेंथ चाहिए। तो ये लेंथ निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये एक, अगर राइट एंगल ट्रायंगल मान लें, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री पे होगी, तो उस हिसाब से ये इसकी परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी, ये इसकी बेस हो जाएगी और ये इसका हाइपोटेनियस हो जाएगा। अगर हमारे पास बेस और हाइपोटेनियस है तो हम पाइथागोरस थ्योरम से ये, अगर हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर है तो हम पाइथागोरस थ्योरम से ये लाइन की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस ये एक्स पी इक्वल टू हो जाएगा एक्स अंडर रूट बेस का स्क्वायर, बेस कितना हमारा एक्स ओ का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। तो एक्स पी कितना हो जाएगा, अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये हमारा आ गया ये लेंथ, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और जितना ये लेंथ है उतना ही ये लेंथ भी होगी। क्यों? क्योंकि ये भी हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, और ये भी एल है और ये आर है, तो ये दोनों ही लाइन क्या हो जाएंगी आपस में, इक्वल एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
यहाँ से अगर हम E1 और E2 निकालना चाहें तो वो हो जाएगी क्रमशः E1 इक्वल टू होता है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस में डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है Q1 से माइनस क्यू से Q0 की, अंडर रूट L² + R² इसका टोटल डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म, तो E1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन L² + R². इसी तरीके से E2 की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, उसका भी चार्ज लगने वाला चार्ज क्या होगा क्यू, और डिस्टेंस क्या होगी प्लस क्यू से Q0 की, तो अंडर रूट L² + R² का, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो E2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन L² + R². कहने का मतलब E1 और E2 दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस भी इक्वल है और इन पर लगने वाले जो चार्जर्स हैं दोनों सेम टाइप के चार्जर्स हैं, बस उनके साइन अलग अलग हैं, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इसलिए E1 और E2 की वैल्यू लगभग बराबर हो जाएगी। दोस्तों अगर यहाँ से हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहें तो उसकी डायरेक्शन कुछ ये होगी, ये दोनों अगर इक्वल डायरेक्शन में होते E1 और E2 तो उनका एडिशन हो जाता, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते तो उनका सब्ट्रैक्शन हो जाता, लेकिन यहाँ पे ना ही बिल्कुल ये इक्वल है ना ही अपोजिट है, मतलब ना ही ये सेम डायरेक्शन में है ना बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हमको याद होगा कि हमने 11th में वेक्टर फॉर्म्स देखे थे, वेक्टर में किस तरीके से दो वेक्टर्स को ऐड किया जाता है और किस तरीके से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, वहाँ पे हमने वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में देखा था। दोस्तों आपको याद होगा कि वहाँ पे कुछ इस तरीके से अगर उसका रिजल्टेंट मान लीजिए कि ई होता था तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे इसका कंपोनेंट हो जाता था E cos θ और वर्टिकल लाइन पे हो जाता था E sin θ, कुछ याद आया आपको, तो उसी तरीके से यहाँ भी होगा, हम देख रहे हैं कि ये इसका बिल्कुल रिजल्टेंट है ये E1, तो ये इसका हो जाएगा वर्टिकल लाइन और ये हो इसका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, देख रहे हैं हम, ये अगर थीटा मान लें तो ये इसका हो जाएगा क्या वर्टिकल लाइन E1 cos θ, हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या होता है cos θ, और ये वर्टिकल लाइन पे क्या हो जाएगा मान लीजिए E1 sin θ, और इसके साथ अगर हम देखें तो ये इसका रिजल्टेंट हो गया, तो ये मान लेते हैं कि इसका ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और ये इसकी वर्टिकल लाइन हो गई, तो वर्टिकल लाइन क्या हो जाएगी E2 sin θ और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो जाएगी E1 E2 cos θ, याद आया कुछ आप लोगों को, तो इन दोनों की डायरेक्शन भी यही होगी E1 cos θ और E2 cos θ की। इस पे हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर निकालेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि E1 और E2 आपस में क्या है इक्वल है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि E1 और E2 की वैल्यू जो है वो आपस में इक्वल है, और यहाँ E1 और E2 साइन थीटा बिल्कुल आप एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है, तो E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा आगे चल के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण कट जाएंगे, और ये दोनों E1 cos θ और E2 cos θ सेम डायरेक्शन में हैं, इसलिए इन दोनों का क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो अगर ये दोनों E1 sin θ और E2 sin θ आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बचेगी वो E1 cos θ + E2 cos θ, कहने का मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बचेगी वो क्या होगी E1 cos θ + E2 cos θ। यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखें
इस वाले इक्वेशन में e1 और e2 की, तो यहाँ पे e1 e2 की वैल्यू दोनों सेम है, तो हो जाएगा e1 cos थीटा प्लस e1 cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2e1 cos थीटा। और अगर हम cos थीटा की वैल्यू निकालना चाहें इस वाले इक्वेशन से, तो यहीं से निकाल लेते हैं हम। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेनियस। क्या होता है cos थीटा इक्वल टू? बेस अपान हाइपोटेनियस। तो दोस्तों यहाँ पे बेस क्या है? स्मॉल एल है, और हाइपोटेनियस क्या है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा एल अपान अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ पे इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × e1 की वैल्यू आई थी 1/4πε0 q/l² + r². इसमें cos थीटा की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा l अपान अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो दोस्तों e की वैल्यू आ जाएगी 2qL, हमको याद होगा इलेक्ट्रिक डायपोल की वैल्यू होती थी, तो इसकी जहाँ पे हम लिख लेंगे p/4πε0 एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर यहाँ पे 1 है, और ये रूट का मतलब 1/2, अगर मल्टीप्लाई में है दोनों तो पावर ऐड हो जाएंगी, 1 में ये पावर जो रूट में है ये 1/2 अगर हम लिखें, कुछ ऐसा लिखें एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1 × एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। तो दोस्तों वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू 2π/4πε0 ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग, अगर यहाँ पे हम अगर हम डायरेक्शन देखें तो ये पी है, और इस पॉइंट को मान लेते हैं कि आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कुछ ये है p/r। क्या हो जाएगा डायरेक्शन? एलॉन्ग पी आर। और स्पेशल केस में अगर हम देखें कुछ स्पेशल नोट, तो हो जाएगा स्पेशल केस हमारा कि हमने मान लिया कि जो हमारा डाइपोल है बिल्कुल शॉर्ट है, बहुत छोटा डाइपोल है, तो वहाँ पे फॉर अ शॉर्ट डाइपोल जो एल की वैल्यू है वो आर से बहुत कम हो जाएगी, तो वहाँ पे हम एल इक्वल टू 0 मान सकते हैं। तो इज इक्वल टू हो जाएगा p/4πε0 r² + 0² 3/2। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी इज इक्वल टू p/4πε0 r² / 3/2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और e की जो वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वो p/4πε0 r³। ये आ गई हमारी इक्वेटोरियल लाइन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दोस्तों एक्सियल लाइन पे हमारी आई थी, ये इक्वेटोरियल लाइन अगर मान लें तो एक्सियल लाइन पे हमारी आई थी 2p/4πε0 r³, और यहाँ पे आई है p/4πε0 r³। कहने का मतलब जो इक्वेटोरियल लाइन पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो एक्सियल लाइन की आधी होती है। तो यहाँ पे हमारा यह टॉपिक ख़त्म हुआ, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा
इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मिलते हैं अपने अगले टॉपिक में, अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।